दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज जय हो को और साथ में बेल का आइकन अवश्य दबाएं और आप हमारे सभी वीडियो जितने भी विषय हैं उससे संबंधित जो कोर्स हैं हमारे उससे संबंधित वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष त्रिवेदी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट सिविल सर्विसेज जय हो। दोस्तों यूपीएससी प्री 2018 3 जून को है और उसके लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स चल रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप तक वीडियोस पहुंचते रहें। इन सभी वीडियोस की सीरीज को मैंने एक प्लेलिस्ट में जिसका नाम है यूपीएससी प्री 2018 श्योर सीरीज उसने डाल रखा है, आप वहां पर जाकर आसानी से कोई वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने करेंट का जो वीडियो बनाया था दो या तीन वीडियो बनाया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। श्योर सीरीज के अलावा आरओ के लिए खासकर बनाया था लेकिन उसमें मैंने इस ढंग से डिजाइन किया था तो यूपीएससी के लिए भी उतना ही अनिवार्य है वो। तो दोस्तों इस कोर्स से अवश्य जुड़िए और आगे के जो भी एग्जाम हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा ये, क्योंकि और जो भी मैं डिस्कशन करूंगा इसमें उसको भी आप नोट करते जाइए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फेम इंडिया स्कीम के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। फेम इंडिया स्कीम क्या क्या कथन है। पहला, देश में पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह स्कीम 2016 में प्रारंभ की गई थी। दूसरा, इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। तो केवल दो सही हैं, न तो एक न ही दो, केवल एक सही है, दोनों सही हैं। तो आपका क्या उत्तर है, ईमानदारी से आप जवाब दे दीजिए कितना आप सही कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा यदि आप 4 या उससे अधिक प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही सही दिशा में है। ठीक, इस ढंग के हमने प्रश्न यहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं कि जो यूपीएससी इसी तरह के प्रश्न पूछता है और यहीं से पूछता है, ठीक है ना। हर बार का उसका ट्रेंड रहा है, आप देख लीजिए उठा के पेपर, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा, अब हमारा सुनिए। फेम इंडिया स्कीम है क्या दोस्तों। फेम FAME जिसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया स्कीम, जो कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना के तहत 2015 में लागू की गई। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना के तहत 2015 में, तो 2015 में लागू की तो ये स्कीम 2016 में, अपने आप ये गलत हो जाता है, तो एक इसका गलत हो गया। ठीक, ये सही है कि पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कीम लागू की गई थी। ठीक है, लेकिन 2016 में नहीं, 2015 में लागू की गई थी। दूसरा है, इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही है, इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनकी प्रौद्योगिकी में लगे हुए जो कारखाने हैं, जो लोग हैं, उनको प्रोत्साहन देने की एक योजना है। ये एक स्कीम है ताकि वो इलेक्ट्रिक वाहन और उससे जुड़ी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दें, विकास करें। ठीक, तो इसका उत्तर केवल दोस्तों क्या होगा, ए, केवल दो सही हैं, बाकी पहला गलत है। दूसरा है, 28 से 30 दिसंबर 2017 को दीमा हसाओ पहाड़ी जिले में 2 दिवसीय सांस्कृतिक जूडीमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों देखिए, यूपीएससी का बहुत मजेदार प्रश्न ऐसे बनाता है जिसमें आपको यहाँ पर ही दो तथ्य मिल जा रहे हैं। क्या दीमा हसाओ पहाड़ी कहाँ पे है, ये जिला कहाँ पर है, दीमा हसाओ पहाड़ी जिला कहाँ पे स्थित है। दूसरा कि जूडीमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस प्रदेश में मनाया जाता है। और तीसरा, यह कितने दिन का महोत्सव होता है। तो तीन तथ्य यहां पर आपको मिल जा रहे हैं, तो इसके बारे में कौन सा असत्य है आपको बताना है। यह जिला असम में स्थित है, त्योहार का विषय सांस्कृतिक पर्यटन था। सी, जूडीमा दिमासा समुदाय का पारंपरिक काढ़ा है जो कि स्वाद में अद्भुत है। चौथा, यह जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऐसे सवालों में दोस्तों अपने आप दो सही हो जाते हैं और दो पर आपको विचार करना होता है, या तो यह असम में स्थित होगा या तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगा, तो या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा, है ना। तो दोस्तों मैं बताता हूं, आप अपना उत्तर चुन लीजिए फिर मैं बताऊं। तो दोस्तों यह जान लीजिए कि यह दीमा हसाओ पहाड़ी जिला असम में स्थित है, इसका 90% भाग जो है पहाड़ी है। ठीक,
तो यहाँ पर 2 दिवसीय सांस्कृतिक जुड़ीमा महोत्सव, वहां की जो जनजातियां हैं जुड़ीमा महोत्सव मनाती हैं। दिसंबर में 28 से 30 दिसंबर 2 दिन जो है यह महोत्सव मनाया गया असम में, जिसका विषय सांस्कृतिक पर्यटन था। जुड़ीमा दिमासा समुदाय के का एक पारंपरिक काढ़ा है दोस्तों। यह काढ़ा जो है चावल का बनता है, बहुत ही प्रसिद्ध है और स्वाद में बहुत ही अद्भुत है। कभी आप असम जाइए तो इसको अवश्य आप इसका स्वाद लीजिए, बहुत ही अद्भुत है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं उस चावल का, उस काढ़े का स्वाद ले चुका हूं, तो बहुत ही अद्भुत है, आपको एकदम अलग स्वाद लगेगा, बहुत मजा आएगा। और चौथा है यह जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो यह गलत हो जाएगा, डी गलत है, ए बी और सी सही है। तो इसका उत्तर होगा डी, डी असत्य है। हाल ही में यूनेस्को ने कुंभ मेला को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया, निम्न में से कौन से विरासतों को यूनेस्को ने यह दर्जा प्रदान किया हुआ है? तो भारत के कौन कौन से ऐसे विरासत हैं? नौरोज, संस्कीर्तन, लद्दाख में बौद्ध मंदिरों का जाप, छऊ नृत्य। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा, फिर मैं बताता हूं। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि दक्षिण कोरिया की जेजू में आयोजित सम्मेलन में, किसका सम्मेलन? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए सम्मेलन, यह सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी समिति ने जो है कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया। एक बात दीगर है कि कुंभ मेला भारत का 14वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। इसके पहले 13 सांस्कृतिक विरासतों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। दोस्तों इस सूची को, ऐसी सूची जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची है, ये 2008 में सबसे पहले स्थापित की गई, प्रदर्शित की गई। ठीक है, जब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए सम्मेलन भी अस्तित्व में आया, तो 14वां जब कुंभ है तो बाकी 13 कौन कौन से हैं दोस्तों, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला, सबसे पहले रामलीला को यह दर्जा प्रदान किया गया। फिर वैदिक मंत्रोच्चार, कुटियत्तम, रम्मन, मुडियट्टू, कालबेलिया, छऊ नृत्य, लद्दाख बौद्ध मंत्रोच्चार, संकीर्तन, जडियाल, ठठेरा की बर्तन शिल्प, नवरोज और योग, ये 13 पहले ही अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो ये भारत जो है, ये कुंभ मेला ये 14वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्राप्त स्थल है। ठीक, प्राप्त जो है सांस्कृतिक विरासत है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा इनमें से कौन सही है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा, चारों ही सही है। नवरोज भी है, संकीर्तन भी है, लद्दाख में बौद्ध मंत्र का जाप भी है, और छऊ नृत्य भी है। तो ये चारों सही है। ठीक है, तो जो मैंने नाम बोले उसको आप एक बार फिर से रिवाइंड करके उसको लिख भी सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा, दीपोर बिल जो कि हाल में सुर्खियों में था, उससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। क्या रामसर अभिसमय के तहत यह एक आर्द्र भूमि है? यह एक वन्य जीव अभयारण्य है? यह मणिपुर में स्थित है? दोस्तों इसका जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दीपोर बिल दोस्तों जो है यह हाल में सुर्खियों में था, यह रामसर अभिसमय के तहत एक आर्द्र भूमि, आर्द्र स्थल है। ठीक, यह एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, बिल्कुल सही है। यह मणिपुर में स्थित नहीं है दोस्तों, यह असम के कामरूप जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर केवल 1 और 2 होगा, अर्थात बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वासेनार एग्रीमेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या वर्ष 1996 में स्थापित इस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य इसके हस्ताक्षरी हैं। यह व्यवस्था पारंपरिक हथियारों के प्रसार पर नियंत्रण व निगरानी रखती है। भारत दिसंबर 2017 में इस व्यवस्था में शामिल होने वाला 42वां देश बना। आप अपना उत्तर चुन सकते हैं अभी। तो दोस्तों वासेनार एग्रीमेंट जो है ये 1996 में तो स्थापित हुआ, लेकिन इस संस्था का मुख्यालय पेरिस में नहीं है,
इस संस्था का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है, ठीक है ना, वियना में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी अस्थायी सदस्य इसके हस्ताक्षर हैं, ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि चाइना इसका सदस्य नहीं है, चाइना इसका सदस्य नहीं है। तीसरा, यह व्यवस्था पारंपरिक हथियारों के प्रसार पर नियंत्रण और निगरानी रखती है, ये बिल्कुल सही है, यह पारंपरिक हथियारों के प्रसार व नियंत्रण पर निगरानी रखती है। इसके साथ ही दोहरी प्रौद्योगिकी जो होती है, दोहरे सामान जो उनकी प्रौद्योगिकी है, उन पर भी निगरानी व नियंत्रण रखती है। चौथा है, भारत दिसंबर 2017 में इस व्यवस्था में शामिल होने वाला 42वां देश बना, ये भी एकदम करेक्ट है, ठीक है, नवीनतम देश भारत है इसमें शामिल होने वाला। तो इसका उत्तर कौन होगा दोस्तों, 2 और 4 अर्थात ए इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अमूर्त विरासत है और विषय दिए गए हैं, ये अमूर्त विरासत है और किस विषय संबंधित है। तो कुट्टियम दोस्तों क्या है, ये सांस्कृतिक नाटक है कि नहीं है। रम्मान आंध्र प्रदेश के जनजातियों का त्यौहार है। मुडियट्टू केरल का नृत्य अभिनय है। कालबेलिया राजस्थान का लोक संगीत व नृत्य है। तो आपको बताना है इसमें से क्या सही है, क्या सुमेलित। तो इसमें आपको बताना है कौन से युग्म सुमेलित हैं, कुट्टियम संस्कृत नाटक, रम्मान आंध्र प्रदेश के जनजातियों का त्यौहार, मुडियट्टू केरल का नृत्य अभिनय, कालबेलिया राजस्थान का लोक संगीत व नृत्य। तो अभी आप मैंने नाम बोला था, यदि आपको याद होगा तो आप इस सवाल को जल्दी हल कर लेंगे। तो बताइए दोस्तों, देखिए कुट्टियम जो है ना, ये संस्कृत नाटक है, ये संस्कृत नाटक है, कहाँ का है, केरल का, ठीक है ना, एक थिएटर है वहां संस्कृत नाटक है, उसका नाम कुट्टियम है। रम्मान दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक त्योहार है, ठीक, अनुष्ठान है जिसको रम्मान बोलते हैं, तो ये गलत है, दो गलत हो गया। मुडियट्टू ये भी केरल का एक नृत्य अभिनय है, ठीक, बिल्कुल सही है, ये केरल का नृत्य अभिनय है मुडियट्टू, और कालबेलिया राजस्थान का लोक संगीत व नृत्य है। तो 1, 3 व 4 सही होंगे इसके। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई अर्थात प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए दिशा निर्देश में क्या शामिल है। पहला, बैंकों की शाखा विस्तार को रोकना, बैंक के लाभांश भुगतान पर रोक लगाना, किसी एक इकाई या क्षेत्र के लिए बैंक द्वारा कर्ज देने की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है इसके अंतर्गत, तो इनमें क्या क्या शामिल है। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, रिजर्व बैंक के संशोधित, अभी बहुत लोग पैसा ले लेकर भाग रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में एक बैंक से, तो इन सब चीजों पे रोक लगाने के लिए अभी हाल ही में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई दिशा निर्देश शामिल किया, जारी किया है रिजर्व बैंक ने, अमेंडमेंट किया है उसमें, जिसमें ये तीनों बातें शामिल है दोस्तों, कि बैंकों की शाखा विस्तार को रोका जाएगा, ठीक, जिसमें रोका जा सकता है जो अननेसेसरी शाखा विस्तार हो रहे हैं बैंकों को, जो उनको अधिकार प्रदान किया गया है उसमें रोक प्रदान करना, बैंक के लाभांश भुगतान पर रोक लगाना इसमें भी जो है यह भी शामिल है, और किसी एक इकाई या क्षेत्र के लिए बैंक द्वारा कर्ज देने की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है इसके अंतर्गत, तो ये तीनों ही सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको नजरअंदाज मत करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ओस्के मेन शहर में अल्प संवर्धित यूरेनियम के भंडार के लिए एक यूरेनियम बैंक की स्थापना की, याद रखिएगा, यूरेनियम बैंक की स्थापना की गई IAEA द्वारा, ठीक है ना, IAEA द्वारा अर्थात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा ओस्के मेन शहर में। तो यह शहर कहाँ स्थित है, ओस्के मेन शहर कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में है, तुर्की में है, कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में। तो दोस्तों यह कजाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना, यह कजाकिस्तान में स्थित है ओस्के मेन शहर।
नौवां सवाल है, हाल ही में सीएसआईआर के अनुसंधानकर्ताओं ने औद्योगिक बहिस्राव से विषाक्त क्रोमियम को हटाने की एक नई पद्धति विकसित की है। इस संदर्भ में हेक्सावेलेंट क्रोमियम अर्थात क्रोमियम 6 तथा ट्राईवेलेंट क्रोमियम के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, क्रोमियम ट्राईवेलेंट विषाक्त है जबकि क्रोमियम 6 या हेक्सावेलेंट क्रोमियम विषाक्त नहीं है। दूसरा, चमड़ा उद्योग के अपशिष्ट में क्रोमियम 6 की भारी सांद्रता पाई जाती है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। दोस्तों इस ऑप्शन पर विचार करिए और इसका सही उत्तर दीजिए। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि हाल ही में सीआईएसआर के अनुसंधानकर्ताओं ने औद्योगिक बहिस्राव से हेक्सावेलेंट क्रोमियम को हटाने की एक नई पद्धति विकसित की है। किसको? हेक्सावेलेंट क्रोमियम को, क्रोमियम 6 को हटाने की एक नई पद्धति विकसित की है। इसके लिए उन्होंने उष्मा से शुष्क जो कवक किए गए हैं उनका प्रयोग किया है। ठीक, उष्मा से शुष्क किए गए कवक का प्रयोग किया है, यह भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है इस सवाल में, जो कि क्रोमियम 6 को या हेक्सावेलेंट क्रोमियम को ट्राईवेलेंट क्रोमियम में परिवर्तित करता है। ठीक, क्रोमियम 6 दोस्तों स्नायु तंत्र तथा आनुवंशिकता के लिए नुकसानदेह तथा कैंसर कारक है। याद रखिएगा, क्रोमियम 6 या हेक्सावेलेंट क्रोमियम स्नायु तंत्र तथा आनुवंशिकता के लिए नुकसानदेह तथा कैंसर का कारक है, जबकि क्रोमियम ट्राइवेलेंट विषाक्त नहीं है। ठीक है, क्रोमियम ट्राइवेलेंट विषाक्त नहीं है जबकि क्रोमियम 6 या हेक्सावेलेंट क्रोमियम विषाक्त है। तो पहला वाला तो अपने आप गलत हो गया। अब दूसरा है, चमड़ा उद्योग के अवशिष्ट में क्रोमियम 6 की भारी सांद्रता पाई जाती है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर होगा केवल 2, मतलब कि बी सही है। ठीक है, इसका बी केवल 2 सही है उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 10वां, आदित्य क्या है? आदित्य क्या है? भारत का भविष्य में भेजाने वाला सौर मिशन है, भारत का प्रथम सौर संचालित बस है, भारत की प्रथम सौर संचालित नाव है, या भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर है? आपका जवाब क्या है दोस्तों, सोच लीजिए। दोस्तों आदित्य जो है ना, ये भारत की प्रथम सौर संचालित नाव का नाम है आदित्य। क्या है? भारत की प्रथम सौर संचालित नाव है। ये कहां पे चालू की गई? केरल के बेम्बानाथ झील में, केरल के बेम्बानाथ झील में, जिसका नाम आदित्य है, ये नाव है। ठीक दोस्तों, तो आज की सीरीज यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।